अनित सिंह जी, बयानबाजियों की लंबी फहरिस्त है, चाहे वो किसी भी दल के नेताओं से निकली। अब आप क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, तो आपको तो अपने नेताओं के बारे में मालूम होगा किस किस ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। बैकफायर करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, आप ये मानते हैं? और अब जो ये वीडियो आ रहा है जिसके जरिए, पहले तो कल आम आदमी पार्टी के हाथ में मुद्दा था कि दरअसल ये पाटीदार बनाम बीजेपी हो गया है, आज गुजरात बनाम आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से किया गया। देखिए जीना जी, आप कुछ चुनिंदा मौकों को छोड़ दें तो जिस तरीके से ये अपशब्द या असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल है, ये अपवाद है। अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे पिछले 10-20 सालों में, आपने जो एक दो कोट तीन कोट कर पाएंगे, और उसमें भी आप देखिए कि कैलकुलेटेड शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब वो अपवाद नहीं है, अब वो रूटीन बनता जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके की राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे राजनीति सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए कर रही है, उसे पता है। अभी जो आपने रिसेंट सर्वे, उन सब पे भी आपने यहाँ पे डिस्कशन किया था, आपको पता है कि उनकी क्या भागीदारी है, और वो अपने सीटों की संख्या डबल डिजिट तक भी नहीं लेके जा सकते, 5 से भी कम है जितने भी सर्वे हुए हैं। उनको समझने की जरूरत है कि ये सब शिगुफे छोड़े जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी की तरफ से, दोनों को ही लाइमलाइट पे रखने के लिए। शब्दों के मर्यादा का ध्यान प्रधानमंत्री जैसे सुप्रीम जो अथॉरिटेरियन पोस्ट है हिंदुस्तान की राजनीति में, उसमें बैठे हुए शख्स अगर उस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें सवाल पूछने की जरूरत बढ़ती है। और हमारे साथ साथ मैं इस बात के लिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि एटलीस्ट आपने आज ऐसे मौके पे सवाल पूछा है जिसमें जवाबदेही सरकार की ज्यादा बन जाती है। आप ये देखिए कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो फिर से हमारे दर्शकों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब जब भी प्रधानमंत्री ने पद पे रहते हुए भी ऐसे असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जहां पे हमारे पुराने पुराने जो धार्मिक लेख हैं उसमें से शब्द चुराए गए हैं, सुपनखा की मैं बात करूं तो, और ये सब सारी चीजें संसद भवन के अंदर हुई हैं। अभी हमारे बीजेपी के मित्र पूछ रहे थे कि विधानसभा के अंदर सुपनखा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो संसद भवन में किया गया है। हमें समझने की जरूरत है कि हम किस स्तर तक गिरते जा रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में हमारी रूलिंग पार्टी के एक माननीय सदस्य महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करती हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको बस थोड़ा दुख पहुंचता है जिसका वो एक संदेश दे दिया करते हैं, दिल से माफ नहीं करेंगे उन्होंने कहा था। हाँ मैम, हाँ मैं अभी क्योंकि किसी का नाम मैं लेना उचित नहीं समझूंगा, और लेकिन मैं उसके बावजूद मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिलो द बेल्ट अटैक करने की जो राजनीति है वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष को ऊंचाई तक लेके जा रही है। ये परंपरा भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है। आप ये समझिए कि किस तरीके से लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, मंत्री पद दिए जा रहे हैं। आप ये बताइए, जो दिल्ली के इलेक्शन में गोली मारो शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, अभी आपने देखा कि दशहरे के मौके पे एक और शख्स जो रिपीटेडली इस तरीके की जो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनको नहीं, तो यहाँ पर आप क्या, ठीक है, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा समझना चाहूँ तो क्या यहाँ पर गोपाल इटालिया का कद बड़ा करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बड़ा करने की, हार्दिक पटेल के पैरलर खड़ा करने की कोशिश हो रही है मैम। निकले तो वो उसी आंदोलन से है कि छतरी के नीचे से दोनों निकले लेकिन अलग हो गए, हालांकि वो कुछ वक्त आपके साथ रहे पटेल साहब, लेकिन बाद में वापस बीजेपी के हो गए हैं। मैम हम मीडिया में जब किसी इटालिया, गोपाल इटालिया के या किसी एक्स वाई जेड का नाम लेते हैं तो गाहे बगाहे उनका कद बड़ा होता रहता है, पर हमें समझना है कि गोपाल इटालिया का किसी कम्युनिटी विशेष के लिए या प्रदेश की राजनीति में क्या योगदान रहा है। कोई भी एक योगदान बताया जा सकता है उनका, कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ हम जब असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो एक नेशनल मीडिया के लाइमलाइट में आ जाते हैं, यही उनका इंटेंशन है। और इस तरीके के लोग को अपग्रेड किया जाता रहे, चाहे बीजेपी का आप एग्जांपल देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी का एग्जांपल देख लीजिए। आज मैं संजय सिंह के कोट के बारे में आपको उल्लेख करना चाहूंगा, थोड़ा सा जल्दी सर। हाँ, आज उन्होंने, हाँ मैं बस एक सेकंड मैम, उन्होंने कोट किया है कि युवा पटेलों के युवा नेता, उभरते हुए युवा नेता, यही राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी आई हुई है देश के राजनीति में। कहां गई उनकी शिक्षा नीति, कहां गई उनके स्वास्थ्य की नीति, किस स्तर तक नीचे घुसते जा रहे हैं वो राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। जी मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने, नहीं ठीक है सर, आपकी बात आगे